फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएस वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी एक न्यू लॉन्च प्रोडक्ट का, जो कि है कलर बार का फेस प्रोटेक्टर, यानी कि इनका एक सनस्क्रीन जो कि अभी लॉन्च हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट है इसे मैंने बाय किया है और इसे मैंने ट्राई भी किया है। इसे अप्लाई करके, यूज़ करके ही इसका रिव्यू आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आपको किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से भी मिल जाएगा, ये आपको मार्केट से भी ईजिली मिल जाएगा, लेकिन मैंने इसे नायका से परचेज़ किया है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसकी बात कर लेते हैं कि ये किस तरह की पैकेजिंग में आता है, इसकी प्राइस क्या है और इसके आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसे कौन सी स्किन टाइप वाले को यूज़ करना चाहिए, कौन सी को नहीं करना चाहिए और ये आपको बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कलर बार का ये न्यू प्रोडक्ट, जो कि है फ्रेंड्स इनका फेस द सन ब्रॉड स्पेक्ट्रम डेली फेस प्रोटेक्टर। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट है ये SPF 50 प्लस के साथ आता है, साथ ही फ्रेंड्स इसमें PA++++ दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ज़रूर देना चाहूँगी, बिकॉज अब जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो हमें सनस्क्रीन अप्लाई करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, जबकि सर्दियों में भी हमें सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि जब गर्मी आती है तो लोग ज़्यादा सनस्क्रीन अप्लाई करना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट है ये एक इनका सनस्क्रीन ही है, यानी कि इनका एक फेस सनस्क्रीन है। तो इसकी जो आउटर पैकेजिंग है वो कुछ इस तरह की है, साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर इसकी MRP मेंशन है, जो कि है 495 रुपीज़ एंड इसकी क्वांटिटी आपको मिल जाती है 50 ml। फ्रेंड्स, ये क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है, 100% वेगन है, पैराबिन फ्री है और लाइट वेट भी है। साथ ही फ्रेंड्स, इसके ऊपर इसके क्लेम्स भी मेंशन है कि ये जो सनस्क्रीन है ये किस तरह से वर्क करता है आपकी स्किन पर। यहाँ पर मेंशन है कि ये आपकी स्किन में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, साथ ही ये आपकी स्किन पर कंफर्टेबल रहता है, ये आपको UVA UVB सन रेज से प्रोटेक्ट करता है। साथ ही फ्रेंड्स, इसका जो टेक्स्चर है काफ़ी लाइट है और ये आपको एक ब्राइटर एंड टोन्ड बेस देता है, ताकि आपकी जो स्किन है वो इवन भी लगे, और साथ ही फ्रेंड्स आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज रखता है और आपकी स्किन पर एक ग्लो लेके आता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताऊंगी कि ये सारे जो क्लेम्स हैं इसमें से कौन से क्लेम्स ओके हैं और कौन से क्लेम्स नहीं ओके, बिकॉज मैंने इसे यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको अब प्रोडक्ट दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से है, ये इतनी पैकेजिंग में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो पैकेजिंग है काफ़ी अच्छी लगी मुझे, और ये थोड़ा सा ना डिफरेंट कलर के साथ इस बार इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, बिकॉज लास्ट टाइम जो मैंने स्किन रेंज इनकी बाय की थी वो ऑरेंज में थी, और इस बार इन्होंने इस तरह से इस शेड में जो अपना प्रोडक्ट है वो लॉन्च किया है। तो जब मैं इसे बाय करने गई थी तो मुझे काफ़ी पसंद आया था, सो मैंने सोचा था कि मैं इसे ऑनलाइन ही बाय करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह से है, और चलिए मैं आपको इसके ऊपर ही फ्रेंड्स इसके क्रीम पे आपको यहाँ पर इसकी MRP मेंशन मिल जाएगी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट भी मेंशन मिल जाएगी। तो मैं अंदर से आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से है, और सबसे अच्छी बात मुझे इस सनस्क्रीन की ये लगी कि फ्रेंड्स आपको इसकी बिल्कुल इतनी सी अमाउंट लेनी है, बिल्कुल इतनी सी, बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम जब इसे यूज़ किया तो मैंने जब इसे अप्लाई किया तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगा कि मैंने इसे ले लिया। तो नेक्स्ट डे फिर फ्रेंड्स मैंने इसे बिल्कुल थोड़ा सा अप्लाई करके देखा कि क्या ये वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, यस, ये बिल्कुल थोड़े से अमाउंट से भी वर्क करता है। तो चलिए मैं आपको इसका पहले टेक्स्चर दिखा देती हूँ, आप देखिएगा मैं कितना अमाउंट लेती हूँ इसका। तो फ्रेंड्स, आपको अपने फेस पर, पहले मैं इसे क्लोज कर दूं, तो फ्रेंड्स आपको बस इतना सा अमाउंट लेना है, आप देख सकते हैं मैंने कितना लिया है, और ये जो अमाउंट है आपके पूरे फेस के लिए इनफ है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस टाइम तो इसे अप्लाई किया हुआ है एंड आप देख भी सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार अप्लाई करके दिखा देती हूँ कि सनस्क्रीन को आपको किस तरह से अप्लाई करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं इसे पहले इस तरह से अप्लाई कर रही थी कि फर्स्ट ही मैंने इसे क्रीम मोशन में अप्लाई किया था, जिस तरह से हम क्रीम लगाते हैं, तो मेरे स्किन पर वाइट कास्ट आ गया था। जैसे कि मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि कोई भी सनस्क्रीन होती है उसको आपको क्रीम की तरह मसाज नहीं करना, उसको आपको डैब डैब करना है। तो नेक्स्ट डे से फ्रेंड्स फिर मैंने इसे इस तरह से लगाया, जैसे कि मैं अभी आपको अप्लाई करके दिखाऊँगी। तो मैं इसे इस तरह से डॉट डॉट में पहले अप्लाई कर लेती हूँ,
एंड आप देख सकते हैं मेरे पूरे फेस के लिए इनफ है। वैसे तो आपको जहाँ जहाँ पे आपकी स्किन एक्सपोज होती है वहाँ वहाँ पे आपको इसे अप्लाई करना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ से ले लेती हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको इस मोशन में इसे अप्लाई करना है। जब आप इसे इस तरह से अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर बन जाती है जो कि आपकी स्किन को यूवीए यूवीबी रेज से प्रोटेक्ट करती है। बिकॉज फ्रेंड्स जो सन रेज होती हैं वो हमारी स्किन के ऊपर डैमेज करती ही करती हैं, चाहे हम कितना भी कह रहे हैं कि सन नहीं आया या फिर घर के अंदर हैं, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि सनस्क्रीन अप्लाई करना हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो आप सनस्क्रीन को अपनी स्किन रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि ईजिली ये स्किन में एब्जॉर्ब हो गई है और मैंने इसे डैब ही किया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये जो सनस्क्रीन है ना ये आपकी स्किन पर एक ग्लो लेके आती है। आप इस टाइम देख सकते हैं कि वैसे तो मैंने पहले भी इसे अप्लाई किया हुआ था लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने इसे फिर से अप्लाई किया है। तो ये स्किन पर एक फ्रेश ग्लो लेके आती है और आपकी जो स्किन होती है ना वो थोड़ी सी ब्राइटर भी लगती है। ये भी मैं आपको बता दूँ बिकॉज मैं जिस दिन से इसे यूज़ कर रही हूँ मेरी स्किन थोड़ी सी ब्राइटर लगती है मुझे और सभी कहते भी हैं कि आज तूने क्या अप्लाई किया है। तो फ्रेंड्स मैं इसे अब यूज़ कर रही हूँ डेली और ज़रूरी नहीं होता, मैंने आपको पहले भी बताया कि घर से बाहर जाओ तो ही सनस्क्रीन अप्लाई करना है, आप घर के अंदर रह कर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे ये सनस्क्रीन काफ़ी पसंद आई है, लेकिन इसमें मैं कहूँगी कि ये इसका जो मुझे माइनस पॉइंट ये लगा कि ये थोड़ी सी स्टिकी होती है, जैसे कि जो जेल सनस्क्रीन होती हैं वो स्टिकी नहीं होती, लेकिन ये जो सनस्क्रीन है ना ये स्टिकी होती है। तो मैं कहूँगी कि अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है तो फ्रेंड्स आप इसे यूज़ ना करें, लेकिन अगर आपकी स्किन मेरी तरह है कॉम्बिनेशन है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ड्राई स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं या फिर नॉर्मल स्किन वाले भी। और समटाइम्स फ्रेंड्स क्या होता है कि मैं इसके बीच में थोड़ी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम मिक्स कर लेती हूँ, लेकिन मैं कहूँगी कि आपको अगर ये थोड़ा सा है कि आप सनस्क्रीन अप्लाई कर चुके हैं तो आपको उसके बाद कुछ भी क्रीम अप्लाई नहीं करनी, तो ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। सनस्क्रीन का जो काम होता है वो अलग होता है और जो हमारे मॉइस्चराइजिंग क्रीम का काम होता है वो अलग होता है। तो मैं सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद मॉइस्चराइजिंग क्रीम ज़रूर अप्लाई करती हूँ। आप कैसे भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपकी मर्जी है कि आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम अप्लाई करने के बाद भी सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उल्टा चढ़ती हूँ बिकॉज सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद ना स्किन थोड़ी सी मेरे को ड्राई लगती है हल्की हल्की सी, तो फिर मैं हल्की सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम अप्लाई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप देख सकते हैं मेरा फेस इस टाइम ग्लो कर रहा है। तो मुझे ये सनस्क्रीन काफ़ी पसंद आई है। सबसे अच्छी बात मुझे इसमें ये भी लगी कि इसमें जो SPF 50 प्लस दिया गया है वो हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। तो जिन सनस्क्रीन्स में SPF 50 प्लस या 50 दिया होता है वो आपकी स्किन के लिए सबसे ज़्यादा बेटर रहती हैं, बिकॉज जितना ज़्यादा सन प्रोटेक्शन फैक्टर आपकी सनस्क्रीन में होगा आपकी जो स्किन है उतनी ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेगी। तो फ्रेंड्स आप जब भी कोई सनस्क्रीन बाय करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको हमेशा जो सनस्क्रीन है वो SPF 30 से लेके SPF 50 तक ज़रूर बाय करनी है। SPF से 30 से बिलो अगर आप बाय करते हैं तो उसका आपकी स्किन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, आपको जो सनरेज हैं वो हार्म करेंगी। तो आपको जब भी सनस्क्रीन बाय करनी है तो SPF 30 से अबव ही बाय करनी है। तो इसमें SPF 50 प्लस दिया गया है, साथ में इसमें PA प्लस 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 दिया गया है। तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है कि ये आपकी स्किन को काफ़ी हद तक सन रेज से प्रोटेक्ट करती है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ कि जो PA ये जो SPF होता है वो किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई भी सनस्क्रीन यूवी रेस को फुली ब्लॉक नहीं करती। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ जिससे आप इजीली समझ पाएंगे। मान लीजिए कि बाहर बारिश हो रही है और आपको बाहर जाना है, तो फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, आप लेंगे अम्ब्रेला और बाहर चले जाएंगे, जिससे क्या होगा कि बारिश भी होती रहेगी और आप भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स सनस्क्रीन में SPF का भी यही काम होता है, बिकॉज सनस्क्रीन हमारी ये जो सन रेज होती हैं यूवी रेज होती हैं उनको फुली ब्लॉक तो नहीं करती, लेकिन जब उसमें SPF फैक्टर आ जाता है
तो उससे क्या होता है कि हमारी जो स्किन है वो काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड हो जाती है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा SPF आपकी सनस्क्रीन में होगा, आपकी स्किन उतनी ही प्रोटेक्टेड रहेगी। अगर आपकी सनस्क्रीन में SPF 15 है तो आपकी जो स्किन है 93% तक प्रोटेक्ट रहेगी। इसी तरह से SPF 30 आपकी स्किन को 97% तक प्रोटेक्ट करेगा, और अगर SPF 50 है तो वो 98% तक प्रोटेक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आपको जब भी सनस्क्रीन बाय करनी है तो इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें SPF 30 से लेके SPF 50 तक ज़रूर हो। वैसे जो SPF 30 होता है वो सभी के लिए कॉमन होता है, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। और फ्रेंड्स, ये जो सनस्क्रीन होती है वो ज़्यादा टाइम के लिए हमारी स्किन पर काम नहीं करती, इस बात का भी ध्यान रखें। सनस्क्रीन हमेशा 2 घंटे तक ही हमारी स्किन पर वर्क करती है, उसके बाद आपको रीअप्लाई करना होता है। कई बार होता है कि हम मॉर्निंग में अप्लाई करते हैं और शाम तक हमें होता है कि चलो भाई हम शाम तक हमारा काम चल रहा है, बट ऐसे नहीं होता। सनस्क्रीन हमेशा 2 आवर्स तक ही काम करती है, उसके बाद आपको हमेशा उसे रीअप्लाई ही करना होता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये जो सनस्क्रीन है कलर बार की काफ़ी अच्छी है। मैंने आपको स्किन टाइप्स बता दिए हैं कि कौन सी स्किन टाइप वाले से यूज़ कर सकते हैं। ये जो है इसमें विटामिन ई होने के कारण स्किन को मॉइस्चराइज तो करती है, इसमें ओलिव लीफ एक्सट्रैक्ट दिया गया है तो आपकी जो स्किन है वो ब्राइटर लगती है और फ्रेंड्स एक ग्लो भी आता है। और साथ ही फ्रेंड्स, मैंने आपको ये भी बता दिया है इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, ये स्किन पर थोड़ी सी स्टिकी होती है, इसलिए ऑयली स्किन वालों को इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं, आप इसे बाय करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। सो ये थी फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।